हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन यूट्यूबर। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या हमें जो है ऑनलाइन साइटों से जो है सामान खरीद के अपने दुकान पे सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और कौन कौन से सामान जो है हमें ऑनलाइन परचेज करके मतलब खरीद के जो है बेचना चाहिए अपने दुकान पे, और कौन से सामान नहीं बेचने चाहिए, और जो है मतलब अगर नहीं बेचना चाहिए तो क्यों नहीं बेचना चाहिए, सारी चीज़ें जो है आज की वीडियो में आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूवर जो है बहुत दिनों से एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या जो है हमें ऑनलाइन साइटों से मतलब फ्लिपकार्ट, उड़ान, अमेज़ोन, जो भी मतलब ऑनलाइन साइट हैं, उनसे हमें सामान खरीद के जो है अपने दुकान पे सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, भैया आप बताइए। तो मैं नहीं बता पा रहा था क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसके पीछे का कुछ रीज़न था। वो रीज़न जो है कि आप शेयर किया जाए, जाने दीजिए, बस आप जो है काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, तो आप सभी कैसे हैं ये कमेंट करके आप ज़रूर हमें बताइए। मैं तो अभी फ़िलहाल आपके सामने बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब टॉपिक पे आएंगे, लेकिन टॉपिक पे आने से पहले हमेशा की तरह से एक ही बात मैं आप लोगों से कहने आया हूँ कि कहना चाहता हूँ कि अगर आप जो है इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इलेक्ट्रिक बिजनेस से रिलेटेड जो है नई नई जानकारियाँ इस चैनल पर हमेशा आपको मिलती रहती है। तो चलिए जो है टॉपिक पर आते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट और है कि जिस समय भी वीडियो आपको जो लगे ना कि आपकी वीडियो काम की, उस समय जो है लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, और अगर वीडियो ना पसंद आए तो कोई मुश्किल नहीं है, जो मर्जी आप कर सकते हैं, स्किप करके भी जा सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं कि 101% जो है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। क्यों पसंद आएगी वो तो आपको आगे वीडियो में ही पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो पर जो है आप लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो देखने के बाद जो है समझने के बाद मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो है आपको इस वीडियो से जो है बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला। तो दोस्तों, जो सबसे पहली चीज़ कि हमें ऑनलाइन साइटों से जो है सामान जो है खरीद के अपने शॉप पे सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है हाँ भी है और ना भी है। हाँ कहाँ पे है, ना कहाँ पे है, ये समझ लीजिए। ना यहाँ पे है, पहले ना की मैं बात करता हूँ फिर पॉजिटिव बात करता हूँ। ना यहाँ पे है मतलब आपको ऑनलाइन साइट से सामान खरीद के नहीं बेचना चाहिए। क्यों नहीं बेचना चाहिए, क्यों नहीं बेचना चाहिए, ये बिल्कुल क्वेश्चन जायज़ बनता है। तो दोस्तों जो है सबसे पहली चीज़, अगर आप जो है ऑनलाइन साइट से सामान खरीदते हैं ना दुकान पर बेचने के लिए, तो उसका जो है सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि वो सामान क्या गारंटी वाला है या विदाउट गारंटी वाला है। अगर जो है गारंटी वाला है सामान, तो आपको जो है ऑनलाइन साइट से नहीं खरीदना चाहिए, और अगर विदाउट गारंटी वाला है तो आप ऑनलाइन साइट से खरीद सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये भी चीज़ होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि जो चीज़ जो है वहाँ पे विदाउट गारंटी मिल रहा है वो चीज़ आपको जो है मार्केट में जो है गारंटी के साथ मिल जाए, ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान दीजिए। अगर मार्केट में भी विदाउट गारंटी सेल होता है तो आप जो है उसको खरीद सकते हैं, अगर आपको सही रेट से वहाँ मिल रहा है, और अगर गारंटी के साथ मिल रहा है तो आपको बिल्कुल जो है वहाँ से नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि हमारे बहुत सारे मतलब कई व्यूवर हमारे पूछे कि मतलब क्या वहाँ से हमें फ़ैन खरीद के सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों जो है फ़ैन जो है गारंटी वाली चीज़ होती है, तो उसे आपको खरीद के नहीं बेचना चाहिए। फ़ैन हो गया या LED बल्ब हो गया या मतलब जितने भी प्रोडक्ट जो है इलेक्ट्रिकल के जो मतलब या इलेक्ट्रॉनिक के जो गारंटी वाले हैं, उन्हें जो है अगर आप जो है सेल करना चाहते हैं खरीद के ऑनलाइन साइट से, जो जो भी मतलब उड़ान, अमेज़ोन, मतलब उड़ान की तो मैं बात नहीं करता तब अभी, तो दोस्तों शॉप पे हूँ कोई ना कोई आ ही जाता है, तो उड़ान की मैं बात नहीं करता क्योंकि उड़ान के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि उस पर शायद होलसेलर वगैरह लोग रहते हैं, तो उसके बारे में भी अभी बात करेंगे आखिरी में। सबसे पहले हम बाकी जो साइटें हैं अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट और भी इस तरह की जो भी साइटें हैं, तो अगर आप जो है गारंटी वाला सामान जो है वहाँ से खरीदते हैं ना, तो जब जिस दिन आप सामान परचेज करते हैं, ठीक है, जिस दिन का वहाँ मतलब आपका बिल बनेगा उसी दिन से जो है आपकी गारंटी चालू हो जाती है सामान की। तो मान लीजिए किसी सामान की मतलब अगर फ़ैन की ले लीजिए, फ़ैन की गारंटी जो है लगभग 2 साल होती है, और अगर जो है 2 साल की गारंटी है और आपने जो है सामान को खरीद के मंगाया अपने दुकान पर, और वो सामान जो है आपके वहाँ जो है 2 महीना 4 महीना या 6 महीना, ज़रूरी नहीं है, कोई कोई सामान जो है 1-1 साल मतलब सीजन निकल जाता है, नेक्स्ट सीजन भी बिकता है, ठीक है, तो ऐसे सामान की गारंटी जो पता चलेगा कि 2 साल गारंटी है, 1 साल तो जो है निकल गया क्योंकि जिस दिन से बिल बना था उसी दिन से वही बिल जो है माना जाता है, फिर दूसरा बिल जो है उस पर माना जाता है या नहीं माना जाता है, इसके बारे में मुझे देखिए 100% जानकारी नहीं है कि मैं अपने अगर GST भी काट के दे दें तो उसका गारंटी चालू होता कि नहीं चालू होता, ये मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन जैसा कि मैं मोबाइल खरीदता था तो मोबाइल में जो है वही फ्लिपकार्ट वाला बिल मिलता था, और वो बिल जो है
उसी दिन से गारंटी चालू हो जाती थी। तो ये सारी समस्याएं हैं। अगर मान लीजिए उसी बिल पे अगर आपकी गारंटी जो है मिलती है, तो वो गारंटी जो है क्या होगा, 2 साल की गारंटी, 6 महीना या साल भर आपकी दुकान पर रह गया, तो कस्टमर को फिर कितना आपको देना पड़ेगा साल भर, और कस्टमर लेगा नहीं क्योंकि उसे मार्केट में वही चीज़ जो है 2 साल गारंटी के साथ मिलेगा, तो उसमें क्या होगा फिर आपका जो है लॉस होगा कि नहीं होगा। अगर आपने रिस्क लेके जो है 2 साल गारंटी दे के उसे जो है बेच भी दिया, और वो पंखा जो है अगर दोस्त मतलब मान के चलिए 1 साल चला और 1.5 साल चला, 1.5 साल बाद जो है रिटर्न आ गया, अब क्या होगा, क्योंकि गारंटी उसकी 1 साल जो पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, तब आपके लिए मुश्किल होगा। तो ऐसे कंडीशन में मुश्किल होगा, तो इसीलिए जो है मतलब आप इनके चक्कर में न पड़िए। और एक चीज़ और मतलब आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो भी सामान है ना ऑनलाइन साइटों पे जो है आपको हमेशा महंगे मिलेंगे। आप जो है डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे, डीलर से लेंगे, तो उससे सस्ते फ़ैन आपको मिलेंगे। जितने में जो है ऑनलाइन साइट पे जो है मतलब आप खरीदेंगे ना, उससे कम पैसे में जो है आप कस्टमर को बेच देंगे, और उसके पीछे भी आप 150 200 जैसा भी मतलब मार्केट हो उस तरह से आप जो है कमा लेंगे। तो इसी वजह से जो भी गारंटी वाला सामान है वो ना बेचें। हाँ, जो विदाउट गारंटी वाले सामान है उन्हें जो है आप खरीद के बेच सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। ऐसे सामान को जो है आप ऑनलाइन जो है अगर मिलता है तो ऑनलाइन आप खरीद लीजिए और उसको जो है आप बेधड़क बेचिए, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, रेट वगैरह का थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हर चीज़ ऐसा ना हो कि ऑनलाइन के चक्कर में पड़ जाए और पता चले कि जो सामान जो है आपने ऑनलाइन ख़रीदा है 100 रुपया, वो जो है आपको जो है मार्केट में जो पता चले कि 60 रुपये मिलने वाला, तो होगा कि अगर 60 रुपये में मार्केट से खरीदेंगे तो आराम से आप जो है 70 रुपये 80 रुपये 75 रुपये में बेच लेंगे, लेकिन जब 100 रुपये में ऑनलाइन खरीदेंगे तो कितने में फिर आप बेचेंगे, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप, मेरी तो राय यही है कि ऑनलाइन के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए। हाँ, जो सामान आपके वहाँ जो है इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, और वो सामान आपके मार्केट में नहीं मिल रहा, ऑनलाइन ही मिल रहा, तो उसे जो है आप ऑनलाइन मंगा लीजिए, ठीक है। क्योंकि उस तरह के बहुत सारे कस्टमर आएगा जिनको वो सामान अर्जेंट में चाहिए, ठीक है, तो वो ऑनलाइन अगर करेंगे तो ऑनलाइन तो तुरंत उनको डिलीवरी होगा नहीं, लेकिन अगर आपके दुकान पर है तो वो 20-30 रुपये महंगा भी जो है लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब हैं। अब दोनों बातें मैं समझा दिया कि आपको जो है सामान कौन कौन से जो है ऑनलाइन लेके अपने दुकान पर सेल करने चाहिए, कौन कौन से सामान लेके नहीं सेल करने चाहिए, ठीक है। तो ये बातें तो आपको मुझे लगता है समझ में आ गई। अब बात करते हैं उड़ान के बारे में। तो दोस्तों देखिए, उड़ान के बारे में जो है मुझे पूरी जानकारी नहीं, उड़ान का एड वगैरह देखता हूँ, उड़ान के बारे में बहुत कुछ जानने कोशिश किया, तो ये समझ में आया कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा होल सेलर ही जो है रहते हैं। लेकिन अगर हम माल मंगाते हैं उड़ान से माल, हमने फ़ोटो देखा, प्राइस देखा, हमने समझ में आया, ठीक है, हमने मंगा लिया, लेकिन वो सामान जो है क्या गारंटी है कि 100% की जो आपने फ़ोटो देखा वही सामान डिलीवरी हो, ठीक है। तो अब जो है अगर मान लीजिए उसमें वापसी का भाई रिटर्निंग का भी ऑप्शन रहता है कि आपने जो सामान मंगाया नहीं पसंद आया, आपको लगा कि नहीं वो सेम सामान नहीं है, वो चीज़ क्वालिटी नहीं है, तो आप रिटर्न कर देंगे। लेकिन होगा क्या, आप रिटर्न तो कर देंगे लेकिन उस सामान का जो है अगर कस्टमर आपके दुकान पर आ गया तो फिर उस समय जो है आपका क्या होगा, आपने रिटर्न कर दिया, सामान है नहीं दुकान पे, तो आपके लिए फिर मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो फिर कस्टमर आ गए थे। तो उड़ान ऐप के बारे में जैसा कि मतलब मैं बताया हूँ कि मान लीजिए जो सामान आपने मंगाया नहीं पसंद आया और वो कस्टमर आ गया, ठीक है, उसी चीज़ का कस्टमर आ गया और आपने सामान जो मंगाया था वो रिटर्न कर दिया क्योंकि आपको पसंद नहीं आया, तो इसमें क्या होगा, कस्टमर घूम के जाएगा। लेकिन यही जो है अगर आप जो है ऑफलाइन अगर आप सामान लेते हैं तो आप खुद उस सामान को देख के परख के, हाँ क्वालिटी सही है कि नहीं है, ठीक है, आप लेते हैं उस हिसाब से। और अगर मान लीजिए कभी गलती से अगर मान लीजिए दुकानदार ने अगर गलत भेज भी दिया तो वो जल्द से जल्द आप जो है रिप्लेस कर लेते हैं उन चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें मेरी अपनी जो है पर्सनल जो है थिंकिंग है, मतलब सोच है। अब आपको क्या लगता है कि जो चीज़ें मैं बताया हूँ वो सही है, तो अगर सही है तो अब जो है लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, और इसके बारे में अगर कुछ अधूरा रह गया हो, कोई चीज़ आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ही आपसे ज़्यादा जानता हूँ, बहुत सारे हमारे जो व्यूवर होंगे, हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियाँ भी रही हों, जो कमियाँ रही हों, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, और बाकी भाई भी हमारे जो है जाएँ कमेंट भी करें और साथ साथ जो है कमेंट पढ़ें कि उनमें जो है कुछ ऐसा तो नहीं, किसी भाई ने जो है कुछ ऐसा बात बताया जो मैं आपको वीडियो में नहीं बता सका। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक बिजनेस से रिलेटेड नई नई वीडियो जो है, नई नई जो है नॉलेज जानकारी पाने के लिए जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अब रेगुलर जो है
इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो वो भी कमेंट करके आप लोग बताते रहें।